अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जानती हो कृष्णा, ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ नहीं है कृष्णा, जो तुमने हमें दिया है, जो दर्द, जो तकलीफ तुम्हारे वापस आने से हमें हुई, तथापि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया था। हमें लगा था अब आगे में तुम मर गई हो, एक और मौका था हमारे पास सब कुछ ठीक करने का। पूरी कोशिश कर रहे थे, सच्चे दिल से सारी कोशिशें कर रहे थे, पर फिर तो वापस आ गई, तुमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। बस बोल नहीं, अब जो हमारा है वो हम तुमसे वापस छीनेंगे। हमारा पति, हमारा बेटा, वापस मिलेंगे तुमसे। तुमने तक बताया नहीं है ना अजीत को हमारा सच, तो बस अभी बता भी नहीं पाऊंगी। अब तुम देखना कृष्णा गौरी क्या करती है। कृष्णा, आज आपके लिए तो बहुत खास दिन है ना। आज आपको मेडल मिलने वाला है, मैं आपका पक्का वीडियो बनाऊंगा। पापा के फोन से, पापा फोन कृष्णा नारायण का आज यहाँ होना एक जोरदार तमाचा है, उन लोगों के मुंह पर जो आज भी ये सोचते हैं कि औरतें मर्दों से कम हैं। आज कृष्णा की बहादुरी की वजह से हम सब यहां सुकून से बैठे हैं। कृष्णा ने इस देश के लिए जो किया वो तो आपने टीवी पर देखा ही। उम्मीद है कि देश के लोगों के लिए कृष्णा की बहादुरी एक मिसाल बनी। Krishna, please come onto the stage. कृष्णा, दो शब्द बोल प्लीज। हम कृष्णा नारायण, बहुत खुशी हो रही है हमें आज के दिन। शिव,
अभी आपको अपनी करिश्मा की अच्छी वीडियो बनानी है ना, तो वहाँ पीछे जाकर खड़े हो, वो देखो वहाँ अच्छी वीडियो बनेगी, सामने कोई है नहीं ना, जल्दी जाओ। ठीक है। कि हमें देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस हवाई जहाज में अगर हमारी जान भी चली जाती तब भी हमें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि हमारे बाबा का सपना था कि हम भी उन्हीं की तरह एक दिन वर्दी पहने और इस देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। यहीं पे रुके, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। राइट राइट। हे महादेव, रक्षा करना हमारी बच्ची की। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप प्लीज प्लीज कुछ मत बोलिए, आपका ट्रीटमेंट हम शुरू कर रहे हैं। देखिए देखिए, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप लेटे रहिए प्लीज प्लीज। जरूरी बात करनी डॉक्टर साहब प्लीज। नर्स, एक काम करो, बाहर जाके देखो कृष्णा कौन है। आप में से कृष्णा कौन है? जी जी हम। प्लीज आइए अंदर। आप कृष्णा हैं? जी। इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। गौरी, आराम से। हाँ, मैं पहले एक बार बात करना चाहती कृष्णा। अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, भगवान देख रहा है ये सब कुछ, वो कुछ नहीं होने देगा तुम्हें, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा। झूठे दिलासे देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कृष्ण, बिल्कुल सही कहा तुमने, ऊपर वाला देख रहा है, इसीलिए हम यहाँ है। हम तुमसे ये कहना चाहते थे कि हमने अपनी जिंदगी में कोई रिश्ता अच्छे से नहीं निभाया, अब उनके लिए एक अच्छी बेटी नहीं बन पाए, जीत की अच्छी बीवी नहीं बन पाए, हमारे लिए भी अच्छी बहन कभी नहीं बन पाए, इसलिए मरने से पहले बस एक बार तुमसे माफी
जाते हमारे जाने के बाद अपने अपार्टमेंट अरे लिए कोई मैल ना रखो उलझो कर देना नहीं गौरी ऐसा मत कहो प्लीज ऐसा मत कहो तो डॉक्टर है ना वो तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे गोली निकाल देंगे फिर ठीक हो जाओगी तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी हमें जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्ण हम बस ये नहीं चाहते कि आखिरी समय में अपनी सुखी बहन से माफी भी ना मांग पाए माफ कर देना अपनी गौरी को तुम्हें पता हमारी मैया के सारे अच्छे गुण ना सिर्फ उनमें आए हम में कुछ आया ही नहीं पर हम जानते कि हमारे जाने के बाद हमारे शिव के लिए तुम एक बहुत बहुत अच्छी माँ बनोगी बनोगी ना गौरी हमने बापू ना कभी कभी चैन से नहीं जी पाए कृष्णा सच सच कह रहे पर हम अब चैन से मरना चाहते हैं इसलिए इसलिए तुमसे एक वादा वादा करना चाहते हैं वादा करोगे इनसे कैसा वादा 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 करो हमसे कि तुम हमारे शिव को कभी पता नहीं चलने दोगी कि भले उसे जन्म हमने दिया लेकिन उसकी असली माँ हम नहीं थे अपने बच्चे शिव से बहुत प्यार करते हैं कृष्णा और कोई हमारे बारे में हमारे मरने के बाद की क्या सोचे क्या नहीं सोचे हमें फर्क नहीं पड़ता पर हमारा हमारा बच्चा हमारे बारे में क्या सोचता है ना हमें फर्क पड़ता है हमारे जीने की वजह है शिव बहुत 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 प्यार करते अपने बच्चे से हमारा वजूद है वो उसकी आंखों में ना अपने लिए नफरत नहीं देख पाएंगे ना जीते जी हो ना मरने के बाद उनसे वादा करो मेरा वादा करो शिव को मास्क लाओ जल्दी से आप प्लीज आइए क्या हुआ बेटा कैसी है गौरी कहा बोला डॉक्टर ने क्या हुआ तुम्हें डॉक्टर कहा बोला डॉक्टर ने हमें कुछ कुछ कहा नहीं कहा नहीं गौरी तो ठीक है ना है शिव,
क्या हुआ, आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। गौरी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब हमारे वजह से हुआ है, हमारे वजह से गौरी को गोली लगी है। नहीं शेर, ऐसा नहीं सोचते, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ना सब ठीक हो जाएगा, गौरी ठीक हो जाएगी। नहीं, हमारे वजह से सब कुछ हुआ है, हमारे वजह से गौरी को गोली लग गई। शेर, गोली कहाँ लगी है? गोली नहीं लगी है, बस चोट लगी है, और गौरी जल्दी ठीक हो जाएगी। और आपको पता है भगवान जी है ना, आप फेवरेट हो ना उनके, इसलिए उन्होंने आपको बचा लिया। तो गौरी भगवान जी की फेवरेट नहीं है? शिव अब ने कहा था चोट कहाँ लगी है, ठीक हो जाएगी, और जैसे गौरी ठीक होगी ना तुरंत आपके पास वापस आ जाएगी, हम मिलवाएंगे ना उससे आपसे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। डॉक्टर साहब, गौरी की हालत कैसी है? वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन होश में आने के बाद ही उसकी कंडीशन के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। थैंक यू। गौरी! क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ गौरी को, ठीक है गौरी। अब सोंगो ना, ऐसे डरते नहीं है बच्चे। शिव, डरो मत, अभी हम जाकर मिलेंगे ना गौरी से। कौन है ये डरपोक लड़का? ऐसे बेबी बच्चों को तो डॉक्टर गोपी इंजेक्शन लगाती है। लगाया भी इंजेक्शन? नहीं डॉक्टर गोपी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। डर लगता है? फिर तो लगता है इसे लगाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं। वैसे डॉक्टर साहिबा, आपके पास कोई ऐसा इंजेक्शन है जिससे हमारे पेशेंट को हंसी आ जाए? हंसाने वाला इंजेक्शन वो भी है हमारे पास, अभी लगाते हैं। नहीं, क्या भाग हो गया ये? नहीं डॉक्टर गोपी, मुझे हंसी और उदास वाला कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इतने समय बाद तेरे परिवार को इस तरह हंसता खिलता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि किसी की नजर ना लगे। बस महादेव से यही प्रार्थना है कि हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे। पेशेंट को होश आ गया, आप मिल सकते हैं। चलो बच्चों। क्या ये बोले ना, तेरे लाख लग चुके, हमारी गोरी को होश आ गया। चलिए गौरी, गौरी शेर, अरे आप ठीक तो हो ना? वो कुछ हुआ तो नहीं था, कोई खरोच तो नहीं आई थी ना? मैं ठीक हूँ, पर आप? कोई इस कमरे की बत्तियां चलाओ ना, हमें अपने बच्चे का चेहरा देखना है, इतना अंधेरा क्यों है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। गौरी, इस कमरे की सारी लाइट्स ऑन है। क्या? अरे आराम से। तो कैसे हो सकता है? अरे चारों तरफ अंधेरा है, हमें मिशेल, हमें हमारे बच्चे का चेहरा देखने में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो क्या मतलब है, निकालिए ये सब कुछ। गौरी संभालो अपने आप को, क्या कर रही हो ये? शांत हो गौरी। कृष्ण हटो, हमें यहाँ से जाना है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? गौरी सब ठीक हो जाएगा बेटा, अभी डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर को बुला के ला बेटा। अब हम डॉक्टर को लेके आते हैं। सब सब ठीक हो जाएगा गौरी, डॉक्टर आ रहे हैं, शांत हो जाओ गौरी। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर साहब। सब क्या है? सबसे पहले लेट लेट। हमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हमारी बात सुनिए, हमें हमें सब चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है हमें?
देखिए क्या हुआ है। मैं चेक करता हूँ, चेक करता हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब? गोली लगने के बाद ये झटके से नीचे गिर गई थी, तो शायद गिरने की वजह से इनके सर पे गहरी चोट लग गई है और उसकी वजह से ब्रेन में क्लॉटिंग हुई और इसी वजह से वो देख नहीं पा रही। बेटा इधर इधर सीधे हाथ से। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमारे कर्मों का फल है, इसलिए ये हम अकेले भोगेंगे। आप फिक्र मत कीजिए हमारी, हमें कुछ नहीं होगा, हम खुद देख लेंगे, संभाल लेंगे सब। हम ठीक है, हम खुद चले जाएंगे, कुछ नहीं हुआ हमें, ठीक है। जीत, ये तुम हो ना, तुम ही हो। जीत गौरी, बेटा आज पहला दिन है ना, तुझे हमारे सहारे की जरूरत पड़ेगी। बाबू जी, अपन बच्चों को लेकर अंदर जाएंगे। हाँ बेटी, आजा बेटा। चल तुझे तेरे कमरे में छोड़ दे, वरना तू ऐसे ही इधर उधर गलत जगह जाती रहेगी। पता नहीं कृष्णा, अब हमारी जिंदगी से एक प्रॉब्लम खत्म होगी। एक खत्म होती नहीं है कि दूसरी शुरू हो जाती। हमें ये क्यों लग रहा है जैसे गौरी अंधे होने का नाटक कर रही है? अगर ये सच है तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए, लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा उठ जा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। आज के लिए इसका स्कूल उठ सकते हैं क्या? जब ये उठ जाएगा ना तब हमें बुला ले। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो दिक्कतें शुरू हुई है और राज सवाल हमारी आंखों का, हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। शिव के कहीं कभी नहीं आने देंगे।